नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जेल चले गए हैं। सीआईडी ने उन्हें 9 सितंबर को 271 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया था। 10 सितंबर को चंद्रबाबू को विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद नायडू को विजयवाड़ा से 200 किलोमीटर दूर राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल ले जाया गया है। सुरक्षा को देखते हुए जेल में उन्हें स्पेशल रूम में रखा जाएगा। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना और दवाइयां उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने 11 सितंबर को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। नेता अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है। पवन कल्याण ने सत्ताधारी YSRCP पार्टी पर विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी राज्य में एंटी सोशल एक्टिविटी कर रही है। शनिवार देर रात पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में अपने समर्थकों के साथ विजयवाड़ा जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका। विरोध में वे सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।